हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैसेंजर सर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर तरंग प्रकाशिकी के दोनों बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक अंक का प्रयोग और विवर्तन, यानी एकल झिर्री द्वारा या पतले झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या, जो कि कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अपन सॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत पूछा गया है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, अंक का प्रयोग और पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा और इन्हीं दोनों टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो है, इससे सारी घटनाएं हमने बात कर ली थी। इसके पहले के वीडियो में व्यतिकरण के बारे में थोड़ा बहुत हमने बात किया था, परिणामी तीव्रता कब अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है, वो सारी तीव्रताओं के अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात भी निकाल लिया गया था, ठीक है। तो व्यतिकरण की कुछ घटनाएं, व्यतिकरण की घटनाएं यानी अच्छे व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कुछ कंडीशन हमने आपके सामने पहले ही राइट कर दिया है, क्योंकि आपके सवाल होते हैं कि सर जो आप बोलते हैं उसको हम नोट नहीं कर पाते या लिख नहीं पाते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही जो है राइट कर दिया है कि क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए अगर आप अच्छे व्यतिकरण प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है अच्छे व्यतिकरण के लिए, दोनों प्रकाश स्रोत बिल्कुल कला संबद्ध होने चाहिए। अब कला संबद्ध का मतलब है कि जो दोनों प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है, वो जिस माध्यम में संचरित हो रही हैं, ठीक, उनकी आवृत्ति सेम होनी चाहिए। उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कला संबद्ध का यही मतलब है, ठीक है। और उनका जो कलांतर है, कला संबद्ध का मतलब समझो कि जो दोनों प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, तो उनके बीच जो कलांतर है, कला संबद्ध का मतलब होता है उनके बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ नियत होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए, ठीक है, समय के साथ नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें व्यतिकरण जो मिलेगा वो अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा, ठीक है, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो ये है पहली कंडीशन कि स्रोत जो है वो कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोनों तरंगों की आवृत्ति योम तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, और व्यतिकरण के डेफिनेशन में भी ये पहले ही साफ साफ लिखा गया है, एक समान आवृत्ति की, एक सेम आवृत्ति की, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा, उनकी जो परिणामी तीव्रता आती है, वो किसी बिंदु पे जो अधिकतम और न्यूनतम मिलने की कंडीशन है, फिर वो अधिकतम और न्यूनतम मिलने की कंडीशन अस्थाई हो जाएगी, अस्थाई नहीं रहेगी, ठीक है। अगर उनकी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य आपस में बराबर ना हो तो जो कंडीशन मिल रही है परिणामी तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम, यानी इसको अगर अंग के प्रयोग द्वारा अगर आगे देखा जाए तो परिणामी तीव्रता जहाँ मिलती है वहाँ पर ब्राइट फिंज प्राप्त होती है, ठीक है, ब्राइट यानी चमक मिलता है और उसके बाद फिर डार्क, तो यानी ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजों का जो क्रम है ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, सही से ना तो ब्राइट मिलेगा और ना ही डार्क मिलेगा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अगला कंडीशन है कि अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, इनके आयाम भी यानी एम्पलीट्यूड भी बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कंडीशन इसमें अप्लाई होती है वही सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होगी, यानी परिणामी तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम मिलने वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए, यानी अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम होनी चाहिए। लास्ट है प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए, यानी जहां से प्रकाश क्रिएट हो रहा है, यानी प्रकाश जहां से आ रही है, जो प्रकाश का हमारा सोर्स है वो काफी ज्यादा संकीर्ण है, यानी बहुत पतला होना चाहिए, बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको अच्छे व्यतिकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें आपको समझ में आ गई, जिसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो बोर्ड पर लिखा गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अंग के प्रयोग की, ठीक है, व्यतिकरण संबंधी अंग का प्रयोग। तो हेडिंग डालिए व्यतिकरण संबंधी अंग का प्रयोग। ठीक है, जिसको नोट करना हो नोट करो जब तक हम लिख रहे हैं। व्यतिकरण संबंधी अंग का प्रयोग, तो भाई देखते हैं अंग का प्रयोग क्या है। अंग के प्रयोग को समझने के लिए एक थोड़ा सा हम फिगर जो है ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे
व्यतिकरण संबंधी एंगल का प्रयोग दिखाया गया। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा, इस फिगर में क्या किया गया है कि सबसे पहले किसी स्रोत से एक वर्डी, एक सोर्स एस लिया गया है, यहां से एक वर्डी, ठीक है, एक वर्डी प्रकाश डाला जा रहा, और इस सोर्स के सामने एक दूसरा जो है पर्दा लगा हुआ है, जिसके बिल्कुल इसके ठीक बीच में जो है एक छिद्र है। इस पर्दे के ठीक सामने, ठीक सामने एक दूसरा पर्दा है जिसके सीध में ना आके उसके ऊपर और नीचे दो अलग अलग छिद्र है। अब यहां से जो इस सोर्स से जो एक वर्डी प्रकाश डालने पे जो यहां से तरंगे क्रिएट हो रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, वो धीरे धीरे कहां पर्दे एस से होते हुए पर्दे दूसरे वाले पर्दे पर पहुंचते हैं, जिसमें सीध में ना ऊपर नीचे दो अलग अलग होल है। अब ये एस वन और एस टू ये आपके द्वितीयक तरंगिकाओं की भात व्यवहार करेंगी। एस वन और एस टू आपके द्वितीयक तरंगिकाओं की तरीके से व्यवहार करेंगी, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब जो तरंगिकाएं, तरंगिकाओं का सिरंग मतलब श्रृंग जो है वो डार्क कलर से दिखाया गया है, और गर्त जो है डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया, फिगर में दिख रहा होगा। भाई तरंगे जो है इस रूप में चलती हैं, ठीक है, ऐसे तो जो इसका ऊपरी हिस्सा यानी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, जिसको हम श्रृंग बोलते हैं, ठीक है, वो आपका डार्क दिखाया गया, और जो नीचे वाला डायरेक्शन, ये जो नीचे जाता है उसको गर्त बोलते हैं, ठीक है, और उसको डॉट डॉट करके दिखाया गया, ठीक है। इस तरीके से आगे एक दूसरा पर्दा लगा हुआ है, लास्ट पर्दा, ठीक है, जिस पर क्या हो रही है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे एकांतर क्रम में प्राप्त हो रही है। दो श्रृंग प्लस श्रृंग, जहां पर दो श्रृंग, श्रृंग को मिलाने वाली जो रेखा, यानी अगर डार्क लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है, तो इनको मिलाने वाली, यानी दोनों श्रृंग है, इनको मिलाने से जो रेखा मिल रही है, यहाँ पे जो पर्दे पर चमक मिल रही है, वो आपकी क्या है, दीप्त है। कैसी चमक है, दीप्त है, ठीक है। दूसरा एक श्रृंग है और प्लस एक गर्त, इसके मिलने से, यानी एक डार्क लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, जैसा फिगर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक डॉटेड लाइन है और एक डार्क लाइन है, ये दोनों जब मिल रही है, इनके मिलने से जो पर्दे पर हमें चमक मिल रही है वो डार्क मिल रही है। कैसी फ्रिंज मिल रही है, डार्क यानी कि अधिक, क्या मिल रहा है, अधिक, एकांतर क्रम में लिखा हुआ है दीप्त अथवा अधिक। और फिर दो गर्त यानी डॉट डॉट लाइन, ठीक है, दो गर्त अगर आपस में मिल रहे हैं तो उससे जो पर्दे पर चमक मिल रही है वो भी हमारी क्या है, दीप्त। तो इस तरीके से दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त या अदीप्त दीप्त अदीप्त, इस तरीके से एकांतर क्रम में ये फ्रिंजे हमको क्या हो रही, प्राप्त हो रही, ठीक है। अब ये जो फिगर है, इसी का एक्सप्लेनेशन करना है, पर्दे उर्दे का नाम लिख लो, ठीक है, ये हमारा पर्दा है, कौन सा पर्दा भाई, सबसे पहले पर्दा एल लगा हुआ, उसके बाद एम लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक हमारा फाइनली जो लगा हुआ है वो एन लगा हुआ है, जिस पर दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त इस तरीके से एकांतर क्रम में हमको फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, ठीक है। और यही व्यतिकरण इन फ्रिंजों को, ये जो हमारी दीप्त अदीप्त फ्रिंजे प्राप्त हो रही है, इसको बोलते हैं व्यतिकरण फ्रिंजे, क्या बोलते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज, ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंज, ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंज, ठीक है। और इस पूरी घटना को, यानी ये फिगर है, इसको बोल देते हैं व्यतिकरण प्रारूप, क्या बोलेंगे, व्यतिकरण प्रारूप। तो ये व्यतिकरण प्रारूप की एक्सप्लेनेशन है। अगर आपसे पूछे कि व्यतिकरण संबंधी एंग के प्रयोग का व्यतिकरण प्रारूप लिखिए, तो ये फिगर और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन कि यानी ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कैसे प्राप्त हो गए, ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। यहां तक बात एकदम अच्छे समझ में आ गई, चलिए अब इन फ्रिंजों की चौड़ाई निकाली जाए। इन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, फिगर यही है लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरे एक नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, जो हमारा सोर्स है, सोर्स बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है, सोर्स हमारा क्या है, बिल्कुल ये हमारा सोर्स है, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, और इसके सामने जो हमारा पर्दा लगा हुआ था M, ठीक है, वो पर्दा भी हमारा M लगा हुआ, ठीक है, M लगा लिया हमने।
अब ये इस सोर्सेस से निकली यहाँ पे एस और एस टू दो अलग अलग सोर्स हो गए। अब यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है, ठीक है, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है और यहाँ पर्दे पर हमको क्या हो रही है, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहे हैं। इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं क्या है, सी है, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट सी है। अब देखो अभी फिगर में आपको दिखा था कि सेंटर से भी पर्दे पर हमको एक फ्रिंज मिलती है, ठीक है, अगर हम मान ले सेंटर से जो यहां पर फ्रिंज मिल रही है वो अगर हमको दीप्त या अदीप्त कुछ भी मिल रही है, सबसे पहले काम करो इसको मिला लो, ठीक है, तो सेंटर से मिला लिया इसको हमने ऊपर, और मान लेते हैं यहां से इस पर्दे के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, डी है, और जो दोनों हमारे सोर्स हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, ठीक है, दोनों सोर्स हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। एस वन से एक स्रोत यहां पर पहुंच गई बिंदु पी पर, ठीक है, एस टू से एक स्रोत यहां बिंदु पी पर पहुंच रही है, चलो पर्दे को ही थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक, पी ओ इसके बीच की दूरी कितनी है, डी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो हमको पी पर बिंदु पी पर जो फ्रिंज मिल रही है, ठीक है, वो दीप्त है या अदीप्त, अब आप बताइए क्या मान ले, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ये क्या एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जहां से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती है। अब यहां से जो प्रकाश तरंगे संचरित हो रही है वो S1 और S2 पर समान कला में पहुंच रही है, ठीक है, तो S1 और S2 में जब समान कला पर पहुंच रही है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अकॉर्डिंग S1 और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, जिनके अध्यारोपण के फल स्वरूप हमें लास्ट वाले पर्दे यानी M पर, ठीक है, ये अगर L M ले लें और इसको N ले लें, ठीक है, तो लास्ट वाले पर्दे N पर हमें क्या हो रही है, व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है या व्यतिकरण द्विज प्राप्त होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर हमें दीप्त द्विज प्राप्त हो रही है, तो S1 से जो प्रकाश चल रही है और S2 से जो प्रकाश चल रही है, इन दोनों प्रकाश में अगर हम देखें तो S1 से जो प्रकाश किरण चल रही है वो क्या है, कम दूरी ट्रेवल कर रही है और ये ज्यादा, तो यानी इनके बीच रास्ते में कुछ अंतर है जिसको डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पथांतर, ठीक है, इसको सेंटर से हम मिलाते हुए एक डॉट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इसके बीच एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। अब यही थीटा एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचते हैं और इस S2A पर एक लंब ड्रा कर देते हैं, क्या करते हैं, यहां से S2A पर हम क्या करते हैं, एक लंब ड्रा कर देते हैं, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाता है, थीटा, इस पे हमने क्या किया, लंब ड्रा किया, तो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, सी को इसके सेंटर पॉइंट को ओ से मिला लिया, इतनी बात समझ में आई, आप देखो भाई, तो पथांतर इसका कितना हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप सीधे लिखोगे पथांतर कितना आ जाएगा, S2A इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, यही तो है आपका पथांतर, पथांतर यही है ना, ठीक है। अब इसका मान निकालना हमें क्या करना, इसका मान निकालना, तो इसका मान निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, एक समकोण यहां बन रहा है और एक समकोण यहां बन रहा है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक लंब हमने ड्रा किया है ना, तो एक तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा और एक ये, तो समकोण त्रिभुज S1, S2A and CPO त्रिभुज CPO, तो देखो भाई इन दोनों त्रिभुज ये कोण थीटा, कोण S2 S1A इक्वल टू कोण OCP,
ओ सी पी, ठीक है, बराबर कितना है थीटा है। ये कोण, यहां पे कोण ए, यहां पे कोण ओ, दोनों बराबर है, कोण ए इक्वल टू कोण ओ, इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो गए। अतः त्रिभुज S1 S2 A और त्रिभुज CPO समरूप, कैसे हैं समरूप, ठीक है, यानी बिल्कुल दिखने में एक ही जैसे आकृति के हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी इनके समान अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल बराबर है, ठीक है, इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है आपकी S2A, S2A बटे बड़े वाले कोण के सामने कौन सी भुजा है PO, PO इक्वल टू 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है S1 S2, S1 S2 अपान यहां पे 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है ये डॉट डॉट वाली लाइन CP, C। मान लेते हैं सेंटर से बिंदु P की दूरी कितनी है स्मॉल x, सेंटर से बिंदु P की दूरी कितनी है स्मॉल x, अब वैल्यू रखो सबकी, तो S2A इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे बाहर है दूसरी साइड जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो S1 S2 अपान CP गुणे PO और PO की वैल्यू कितनी है x, ठीक है, तो S2A इक्वल टू S1 S2 इसकी वैल्यू कितनी है d अपान CP, CP, CP इस ये नहीं पता है इसको ऐसे लिखते हैं अभी बताते हैं कहां से आएगा इनटू एक्स, इनटू एक्स, ठीक है। अब देखो भाई यदि थीटा बहुत छोटा हो, क्या हो यदि क्या कोण हमारा बहुत छोटा हो तो ऐसे कंडीशन में ये जब बहुत छोटा होगा तो यानी ये वाली लाइन यहां कहीं आ जाएगी, यानी बिंदु P जो है O पर क्या हो जाएगी बिल्कुल पास आ जाएगी, बिंदु P जो है बिंदु O के बिल्कुल पास आ जाएगी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। यदि थीटा बहुत छोटा है तब बिंदु P व O पास पास होंगे, क्या होंगे पास पास होंगे, यानी हम O की जगह पे O और P क्या होंगे पास पास होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं P की जगह पे O लिख सकते हैं, ठीक है, P की जगह पर क्या लिख सकते हैं O लिख सकते हैं ना, तो आगे देखो भाई जब P की जगह O लिख सकते हो तो क्या हो जाएगा एस टू ए इक्वल टू स्मॉल डी अपान सी, पी की जगह लिख लिया ओ इन टू एक्स, सी ओ की वैल्यू कितनी है सी से लेके ओ तक की वैल्यू कितनी है कैपिटल डी, एस टू ए इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इन टू एक्स, और ये आपका है क्या पथांतर, यही क्या है आपका पथांतर, ठीक है, तो पथांतर इक्वल टू हमको क्या मिल गया पथांतर, और पथांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है, तो पथांतर इक्वल टू कितना आ गया स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इनटू एक्स, जहां पे एक्स क्या है यहां से सेंटर से उस फ्रिंज की दूरी है जहां पे हमें क्या हो रही है दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ठीक है, यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई, आगे देखते हैं, आगे है समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए, कल इसको हमने एक्सप्लेन किया था समपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, तो अगर व्यतिकरण हमारा क्या होगा समपोषी होगा तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, और व्यतिकरण अगर हमारा क्या होगा विनाशी होगा तो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती, तो चलिए कल वाली चीज को थोड़ा सा हल्का सा हम रिवाइज आपको करा देते हैं, ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा तो चलिए ध्यान से देखिए हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो ये ब्रैकेट में हमने कल की चीजें जो है थोड़ी सी राइट कर रखी है लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में, तो ध्यान से देखना, वहां पे हमने आपको बताया था संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए कास फाइव, अगर संपोषी व्यतिकरण है तो कास फाइव मैक्सिमम होना चाहिए,
यानी इसकी वैल्यू प्लस वन आनी चाहिए, ठीक। और कास प्लस वन की वैल्यू कब आएगी, जब थीटा बराबर फाइव बराबर यानी कलांतर आपका या तो जीरो हो या तो टू पाई हो या फोर पाई हो या सिक्स पाई हो, यानी फाइव की वैल्यू अगर फाइव का हम व्यापक मान देखें तो ये कंडीशन आएगा, तब जाके जो है संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। अगर विनाशी व्यतिकरण है तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कास फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस वन, और कास कितने की वैल्यू माइनस वन होती है, पाई, थ्री पाई, ठीक है, फाइव पाई। इस तरीके की जितनी भी वैल्यू आती है वो क्या होती है हमारी, निगेटिव। तो यानी फाइव किस किस फाइव के किस मान के लिए ये हमारा निगेटिव वैल्यू देगा, तो फाइव के इस मान के लिए क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और पथांतर का एक फार्मूला होता है, ये नोट कर लीजिए, पथांतर इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन टू पाई, जहां पे लेमडा जो है वो जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है उसकी तरंग दैर्ध्य है, लेमडा अपॉन टू पाई गुणे कलांतर, ठीक है। तो ये पथांतर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब बीच में हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पथांतर आपका कितना था भाई, एस टू ए, कितना था, एस टू ए। तो पथांतर एस टू ए इक्वल टू कितना आया, लेमडा अपान टू पाई, लेमडा अपान टू पाई, और एस टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, स्मॉल डी कैपिटल एक्स अपान कैपिटल डी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लेमडा अपान टू पाई गुड़े, लेमडा अपान टू पाई गुड़े क्या हो जाएगा, कलांतर। और कलांतर कितना है, अगर हम संपोषी की बात करें, किसकी, संपोषी की, ठीक है, संपोषी के लिए कलांतर कितना होता है, फाइव टू टू पाई एम वैल्यू रख लो तो एस टू ए, और पथांतर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, किससे, डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं, हम एस टू ए ही लिख लेते हैं, ये इक्वल टू लेमडा अपान टू पाई इंटू टू पाई एम। तो टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, अभी हम डायरेक्ट लेमडा एम लिख देते तो आपको यही नहीं समझ में आता ये आया कहां से, ठीक है। तो इसीलिए हमने कल की चीज को थोड़ा सा रिवाइज करवाया है, एस टू ए इक्वल टू डी एक्स वाई कैपिटल डी इक्वल टू लेमडा सॉरी लेमडा यहां तक बात समझ में आ गई। तो यानी आपका पथांतर कितना आ गया, पथांतर ये है, ये, ठीक है। तो पथांतर ये निकल के आ गया, सबको उधर भेज दो, d x इक्वल टू लेमडा m इंटू कैपिटल d, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल d बाई स्मॉल d से भाग हो जाएगा, कैपिटल d बाई स्मॉल d इंटू लेमडा इंटू यदि बिंदु P पर प्राप्त होने वाली दीप्त फ्रिंज MOE दीप्त फ्रिंज है, ठीक है, यदि बिंदु P पर MOE दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो ये क्या हो जाएगा, XM इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल D इनटू लैम्डा M इनटू लैम्डा M। इसको कोई समीकरण बना लो, पीछे कोई समीकरण अगर नहीं बना हो तो इसको बना लो समीकरण नंबर एक, पीछे अगर बना हो तो उसी क्रम में इसको आगे नाम दे दो, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या गया, पथांतर का फार्मूला, कितनी दूरी पर हमको मिल रही है, एक्सएम दूरी पर मिल रही है। अब आ जाओ भाई विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। तो अगर हम अब विनाशी व्यतिकरण की बात करें, ठीक है, जहां पर अगर एम बराबर हम एक रख दें तो पहली दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी, m बराबर दो रखें तो दूसरी दीप्त फ्रिंज, m बराबर तीन रखें तो तीसरी, m बराबर m रखेंगे n रखेंगे तो nवीं दीप्त फ्रिंज, ठीक है। तो इस तरीके से m की हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमको अलग अलग दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर मिलती जाएंगी सेंटर से, भाई x क्या, सेंटर से दूरी। तो अगर x बराबर आप m बराबर 1 रखोगे तो पहली x1 कितने पे मिलेगी, कैपिटल d / स्मॉल d * लैम्डा, ये पहली वाली मिलेगी। दूसरी कहां मिलेगी, x2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू टू लैम्डा, ये दूसरी मिली। ऐसे ऐसे वैल्यू रखते जाओ हमको मिलती जाएगी।
तो जरा बात करते हैं आदित्य फ्रिंज की। यहां तक समझ में आया ना सबको अच्छे से? चलो विनाशी के लिए, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर एस टू ए इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इनटू एक्स बराबर, इसके लिए भाई कितना होता है पथांतर आपका लैम्डा अपान टू पाई, लैम्डा अपान टू पाई गुणे कलांतर, कलांतर कितना आएगा विनाशी के लिए टू एम माइनस वन पाई, टू एम माइनस वन। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया आपका, सॉरी पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, फाइनली मिला क्या हमको d by capital D into x equal to 2m minus 1, ठीक है, into lambda by, यदि यहां से x equal to क्या हो जाएगा capital D by small d 2m minus 1 into lambda by, यदि me फ्रिंज हमारी अदीप्त हो, ठीक है, ये तो पहली है, ठीक है, यदि एम वी फ्रिंज अदीप्त हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स एम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये मत सोचना कि यहां भी एक्सएम है यहां भी एक्सएम है, ये एक्सएम मान लिया गया कि दीप्त और इस बार मान लिया गया एक्सएम वाली जो होगी वही अदीप्त होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और नाम भी एक्सएन भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हो, ठीक है, या एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जेड जो भी लेना हो आप ले सकते हो। टू एम माइनस वन लैम्डा बाई, अब पहली अदीप्त फ्रिंज हमको कहां मिलेगी, एम बराबर वन रखोगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज हमको मिल जाएगी, पहली अदीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर मिलेगी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इनटू लैम्डा बाई, ये पहली अदीप्त फ्रिंज मिली। दूसरी कहां पर मिलेगी एच टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इनटू थ्री लैम्डा बाई टू, ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज इस दूरी पर मिलेगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू रखते जाओगे हमको अदीप्त फ्रिंज मिलती जाएगी और यहां पर वैल्यू रखते जाओगे जो डिस्टेंस आ रही, देखो दूरी अलग अलग आ रही है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से इतनी दूरी पर दीप और दो दीप के बीच में एक अदीप, फिर दीप अदीप इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो दीप और अदीप्त फ्रिंज हमको कहां कहां मिल रही, मिल गया। अब निकालते हैं दीप और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिए भाई चौड़ाई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चौड़ाई सबसे पहले निकालते हैं दीप्त फ्रिंज, तो एम ओ ये मान लेते हैं, तो इसके बाद वाला जो हमको मिलेगा, ठीक है, एक्स माना एक्स प्लस एम वी दीप्त फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज कहां मिलेगी m की जगह पे m प्लस वन रख दो तो x m प्लस वन इक्वल टू कितना मिलेगा कैपिटल d बाई स्मॉल d इनटू लैम्डा m प्लस वन, m प्लस वन, ठीक है। दीप्त और फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकलेगी, चौड़ाई इक्वल टू इसी को w बोलते हैं, तो x m प्लस वन माइनस x m, ठीक है भाई, जैसे मान लो एक दीप्त फ्रिंज यहां मिली, एक दीप्त फ्रिंज यहां मिली, एक दीप्त फ्रिंज यहां मिली, तो अगर हमें इसकी चौड़ाई चाहिए तो सेंटर से मान लेते हैं ये x m प्लस 1 डिस्टेंस पे पहली या m प्लस 1 ही जो है दीप्त फ्रिंज मिल रही है, ठीक है, और सेंटर से m m वही दीप्त फ्रिंज यहां पे मिल रही है, तो अगर इसके बीच की चौड़ाई हमको चाहिए तो इसमें से इस टोटल में से ये वाली वैल्यू अगर हम घटा दें तो ये चौड़ाई हमको निकल आएगी, ये चौड़ाई मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना,
तो ये एमई दीप्त फ्रिंज यहाँ है और एम प्लस वन ई दीप्त फ्रिंज यहाँ, तो दोनों को आपस में घटा लो मिल जाएगा इसकी वैल्यू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा एम प्लस वन माइनस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा एम। कुछ कॉमन है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा कॉमन है तो कॉमन ले लो, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा कॉमन है, यहां बचा एम प्लस वन और यहां पूरा कॉमन हो गया तो माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहां बचा एम प्लस वन और यहां से ये इतना कॉमन हो गया तो बचा एम, क्या बचा ठीक है भाई ध्यान से देखो, यहां से डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और लैम्डा कॉमन हो गया तो यहां बचा एम प्लस वन, यहां से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा कॉमन हो गया तो बचा स्मॉल एम, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आया कितना कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा, ठीक है ये आ गई आपके दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है इसी तरीके से अगर आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालोगे तो भी यही चीज आएगा, तो वो कर लोगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ये है एमओई, तो एक्स एम प्लस एमओई कहां मिल जाएगी हमको कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टू एम प्लस वन इंटू लैम्डा बाई, ठीक है अब इसमें से इसको घटाओगे यही चीज मिलने वाला, यही चीज मिलने वाला, ठीक है तो निकाल लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं कोणीय चौड़ाई की, पर फिगर तो मिटा दिए, फिगर का काम लगना था, ठीक है चलो कोई नहीं, देखो भाई कोणीय चौड़ाई कैसे निकलेगी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा फिगर, हम ये आपका सेंटर पॉइंट सी था, यहां पे आपका ओ था, यहां पे आपका पी था, इसके बीच में कोण कितना बना हुआ है थीटा, ये डिस्टेंस कितनी थी एक्स थी, ये डिस्टेंस कितनी थी कैपिटल डी थी, ठीक है ये इतनी चीज याद है ना, या थोड़ा सा अगर ऐसे देखें ये आपका एस वन था, ये आपका एस टू था, यहां से इसको मिलाया गया था, यहां से इसको मिलाया गया था और यहां से इसको मिलाया गया था, ठीक है इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, ये कोण भी आपका थीटा बन रहा था, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी ये डी, ठीक है और यहां पे आपका क्या बना था 90 डिग्री बना था, क्या बना था 90 डिग्री बना था, ठीक है अब देखिए भाई दो चीजें हमें इसकी चौड़ाई यानी कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए, कोणीय चौड़ाई को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो हमें मिलेगा नहीं अगर इसमें हम टैन थीटा अप्लाई करें, लंब बटे आधार, लंब आधार एक्स बाई कैपिटल डी, एक्स बाई कैपिटल डी, ठीक है एक्स बाई कैपिटल डी, या अगर हम इसमें अप्लाई करें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार एस टू ए, ये दूरी हमको पता नहीं है तो इस छोटे वाले त्रिभुज में जाने की जरूरत नहीं है, इस बड़े वाले से काम करते हैं, ठीक है यदि थीटा बहुत स्मॉल एंगल हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए एक्स अपान डी, एक्स अपान डी, ठीक है और एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू ये, ठीक है तो दीप्त फ्रिंज की अगर हम बात करें तो दीप्त फ्रिंज यानी एमओई दीप्त फ्रिंज के लिए एक्स एम इक्वल टू कितना है, कहां गए भाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा वैल्यू रख लो, तो थीटा एम इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा एम अपान कैपिटल डी, से डी कैंसिल हो गया कितना गया लैम्डा बाई स्मॉल डी इंटू, ठीक है ये दीप्त फ्रिंज है, अगली वाली दीप्त फ्रिंज कहां मिलेगी एम प्लस वन पे मिलेगी, तो लैम्डा बाई डी इंटू एम प्लस वन पे मिलेगी, एम प्लस वन पे, तो इनके बीच की चौड़ाई कोणीय चौड़ाई थीटा इज इक्वल टू थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम माइनस थीटा एम, वैल्यू रख को घटा लो, वैल्यू रख के घटाओगे थीटा एम प्लस वन की ये वैल्यू थीटा एम की ये वैल्यू घटाओगे ये आपको मिल जाएगा लैम्डा बाई डी, ठीक है तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर कितना गया लैम्डा बाई डी, इसी तरीके से अगर आप अदीप्त के लिए निकालोगे तो भी यही बना आएगा, ठीक है तो दोनों चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज
की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ये आप लोग निकाल लेंगे, सेम चीजें आने वाली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं विवर्तन, ठीक है। विवर्तन क्या चीज है? तो अगर हम विवर्तन की बात करें तो विवर्तन की घटना के लिए, अगर विवर्तन की सबसे पहले परिभाषा देखो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बहुत पतले या संकीर्ण, ठीक है, छिद्र से होकर गुजरती है तो प्रकाश किरण उस छिद्र से सीधे ना जाके उस छिद्र के क्या होती है, छिद्र के किनारों से हल्का सा मुड़ जाती है, ठीक है। तो हल्के से मुड़ने की इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे मान लो ये क्या है, कोई एक छोटा सा होल है या छोटा सा छिद्र, यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजर रही, तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे ना जाकर इसके किनारों पर ऐसे हल्के से, किनारों से ऐसे हल्के से मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मुड़ जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अब देखो जब प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो ठीक इसके मुड़ने के कारण अगर सामने कोई पर्दा लगा है तो वहां पर भी हमें ब्राइट और डार्क चमक मिलता है, ठीक है। तो वही सेम करनी, सेम चीजें इसमें भी होती हैं, उसका थोड़ा सा अलग, ठीक है। चलिए अब उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं विवर्तन की परिभाषा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की, ठीक है। तो विवर्तन की क्या परिभाषा हमने लिख भी दिया, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र से या रेखा छिद्र से होकर गुजरती है तो वो रेखा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, ठीक है, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यहां पर आप लिखेंगे आंशिक रूप, कैसे, आंशिक रूप, ठीक है, आंशिक रूप से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। अब प्रकाश के विवर्तन की घटना को समझने के लिए, प्रकाश की विवर्तन की घटना को समझने के लिए इसका ज्यामितीय प्रारूप बनाया गया है। हम मान लिए कि हमारा कोई एक रेखा छिद्र AB है, AB कोई एक एकदम पतला सा रेखा छिद्र है जिसकी लंबाई या चौड़ाई आप जो कुछ भी कह सकते हैं वो हम मान लिए कितना है, स्मॉल e है, कितना है, स्मॉल e है, ठीक है। कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो एक लेंस L1 से होकर पास करती है, L1 से होकर पास करती है और इस पतले रेखा छिद्र पर पड़ती है। तो जब इस पतले रेखा छिद्र पर पड़ती है तो विवर्तन की घटना के कारण रेखा छिद्र पर किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ गई। तो जो ये आंशिक रूप से प्रकाश किरण मुड़ गई वो मान लेते हैं आगे एक पर्दा लगा हुआ है XY, XY के बिंदु P पर क्या होती है, प्राप्त, बिंदु P पर प्राप्त होती है। यहां से भी सिरे B से भी वो क्या हो जाएगी, हल्का सा मुड़ जाएगी, आंशिक रूप से मुड़ी और ये जाके वहां पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पुरानी वही चीज, अगर इसके हम पथांतर की बात करें तो पथांतर कितना हो जाएगा, जो A से जा रहा और जो B से जा रहा पथांतर हमारा कितना हो जाएगा, B के, कितना होगा पथांतर, कितना होगा भाई, B के, ठीक है। और हम मान लेते हैं इस B के जो पथांतर है इसकी लंबाई कितनी है, पथांतर को मान लेते हैं B के इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, मान लेते हैं B के इक्वल टू लैम्डा और ए बी इक्वल टू कितना है, ये चीज मान लिया गया। अब बताओ भाई ये इसका पथांतर कितना हो जाएगा, अगर ये विवर्तन जित आंशिक रूप से मुड़ रहा है इसको मान लेते हैं थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा पे ये क्या हो गई, लंब हो गई, तो लंब यानी बी के और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा यानी ए बी, ठीक है, हालांकि ए को इतने ऊपर मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, ए, अब समझ में आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू बी के अपान ए बी, ठीक है। आगे क्या लैंग्वेज लिखनी है, जो फिगर में दिख रहा है वही चीज लिखनी है, माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस है, एस के सामने एक लेंस उत्तल लेंस L1 है जिससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एक पतले रेखा छिद्र AB पर पड़ती है, ठीक है। अब रेखा छिद्र AB से प्रकाश स्रोत आगे एक दूसरे लेंस L2 पर पड़ती है जो रेखा छिद्र
सीधे निकल जा रही, ठीक है, जिसका विवर्तन नहीं हो रहा वो सीधे जाके बिंदु O पर मिल रही है, और जो जिनका विवर्तन हो रहा है वो पर्दे के बिंदु B पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो पथांतर मान लेते हैं, माना BK is equal to lambda and AB is equal to small e, तो पथांतर है sin theta बराबर क्या हो जाएगा BK upon AB। BK की वैल्यू कितनी है, तो BK is equal to कितना हो जाएगा AB sin theta, AB की वैल्यू है कितनी e मान लिया गया, तो BK is equal to कितना हो जाएगा e sin theta, BK is equal to कितना e sin theta। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, सारी चीजें एकदम स्पष्ट है, एकदम से क्लियर है। अब भाई देखो, अगर हम इसके पथांतर की बात करें, ठीक है, इसके अगर पथांतर की बात करें, अब अगर हम AB को ठीक है दो बराबर भागों में बांट, तो इसका पथांतर कितना आ जाएगा BK बराबर हमने मान रखा है लेमडा। अभी इसको अगर AB को दो बराबर भागों में बांट दें, AB को क्या करें दो बराबर भागों में बांट दें, तो भाई ये जो प्रकाश किरण B से होके जा रही है वो फिर यहां से होके जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो जब यहां से होकर जाएगी तो आपकी टोटल दूरी थी BK और BK की वैल्यू मानी गई थी लेमडा, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी, जब इसको आप दो भाग में बांटोगे तो ये भी आपका दो भाग में बढ़ जाएगा और इसकी लंबाई हो जाएगी लैम्डा बाई टू, यानी इसके द्वारा जो बिंदु P पर प्राप्त हो रही है उसका पथांतर लैम्डा बाई टू, और इसके द्वारा जो मिल रहा है उसका भी लैम्डा बाई टू, ठीक है। ये बात समझ में आई, अरे भाई जब हमने AB को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में, तो अगर AB अकेले था तो कितना पथांतर बना रहा था लैम्डा, अब दो भाग में बांट दिए तो एक छोटा वाला भाग बनाएगा लैम्डा बाई टू, अगला वाला भाग बनाएगा लैम्डा बाई टू। यहां तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर। अब मान लेते हैं जो बिंदु P पर फ्रिंज हमको मिल रही है, जो पट्टी मिल रही है वो काली पट्टी मिल रही है, कैसी पट्टी मिल रही है, काली पट्टी यानी कि डार्क मिल रही है, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारी क्या पहली निम्निष्ठ, ठीक है, माना बिंदु P पर पहली निम्निष्ठ प्राप्त होती है, ठीक है, बिंदु P पर क्या हो रही है पहली निम्निष्ठ प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो अब देखो भाई, समीकरण नंबर एक इसको बना लो, तो समीकरण नंबर एक के अकॉर्डिंग BK इक्वल टू कितना हो जाएगा E साइन थीटा, और BK की वैल्यू है क्या इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। अच्छा, प्लस माइनस लैम्डा हमने क्यों लिखा भाई, प्लस माइनस लैम्डा हमने क्यों लिखा, कोई कारण बता सकता हमको, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद अब ध्यान से देखो हम कारण बता रहे हैं। जो हमको काली पट्टी मिल रही है वो सेंटर से ठीक ऊपर मिल रही है, तो क्या सेंटर के ठीक नीचे नहीं मिलेगी, विवर्तन की घटना एक ही डायरेक्शन में होगी, ये कोई हमारा क्या पतला छिद्र है, प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है तो विवर्तन की घटना क्या प्रकाश किरण इधर ही मुड़ेगी, अरे भाई इधर की बजाय इधर भी तो मुड़ सकती है, तो जो इधर मुड़ रही है वो प्लस लैम्डा, जो नीचे मुड़ जा रही है वो माइनस लैम्डा, नीचे वाले को हमने दिखाया नहीं लेकिन प्राप्त तो नीचे भी हो रही है, इसलिए लिखा गया है प्लस माइनस लैम्डा, क्लियर। अब आगे देखो भाई, यदि बिंदु P पर MOA, यदि बिंदु P पर MOA निम्निष्ठ मिलता है तो BK इक्वल टू कितना हो जाएगा E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस M लैम्डा, क्या हो जाएगा E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस M लैम्डा, ठीक है। अब आगे देखो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत
छोटा हो तो इस कंडीशन में, क्योंकि विवर्तन गिरना बहुत ही आंशिक रूप से होती है, बहुत छोटा, यानी जो कोण बन रहा है वो छोटा होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ई थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन कुछ, ठीक है। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये है क्या, एम वन निम्निष्ठ है, यानी थीटा एम इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन, अगला निम्निष्ठ कहां मिलेगा, इस एम प्लस वन पे मिलेगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एम प्लस वन अपॉन, ठीक है। इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी आएगी, इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी आएगी, तो इसकी जो कोणीय चौड़ाई आएगी थीटा इक्वल टू थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा बाई थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बाई, ठीक। यहां तक समझ में आया। इसी तरीके से ये तो हो गई एमई निम्निष्ठ, तो दो निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट भी तो प्राप्त होता है, दो निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट भी तो प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं जो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में वो कहां पर मिलेगा, इसके बीच में, दो निम्निष्ठ के बीच में, यानी अगर लैम्डा पर, लैम्डा पर हमें लैम्डा दूरी पर निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है तो लैम्डा बाई टू दूरी पर, ठीक है। जैसे मान लो ये सेंटर है, सेंटर से लैम्डा दूरी पर हमको निम्निष्ठ मिल रहा है, तो इसके आधे, इसके बीच में लैम्डा बाई टू दूरी पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट भी हमको प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि गौड़ उच्चिष्ट हमको कहां पर मिल रहा, सेंटर पर मिल रहा, कहां मिल रहा, सेंटर पर मिल रहा, यानी कि जीरो पर मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। तो देखो एक निम्निष्ठ यहां मिला लैम्डा पर, दूसरा निम्निष्ठ इसके ठीक नीचे मिलेगा, तो दो निम्निष्ठ के बीच में उच्चिष्ट मिल गया, मिला कि नहीं मिला। यानी लैम्डा की जगह आप इस बार क्या करेंगे, लैम्डा बाई टू रख देंगे, और एम वी उच्चिष्ट के लिए एम लैम्डा की जगह टू एम माइनस वन लैम्डा रखेंगे, क्या रखेंगे, 2m माइनस वन लैम्डा रखें, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर, और उसके बाद उसकी भी जब हम कोणीय चौड़ाई निकालेंगे तो यही चीज निकल के आएगा, जैसे आपके व्यतिकरण में निकल के आया था, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई, तो ये आप स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई इट्सेल्फ। गौड़ उच्चिष्ट वाली स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो कैसे करना है, दो निम्निष्ठों के बीच में मान लेते हैं बिंदु O पर हमको मुख्य या गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त होती है, तो गौड़ उच्चिष्ट के लिए E sin थीटा बराबर लैम्डा बाई टू, E sin थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा बाई, ठीक है। यदि बिंदु O पर MV गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त होती है तो E sin थीटा बराबर प्लस माइनस M लैम्डा बाई टू, या इसको आप लिख सकते हैं टू एम माइनस वन लैम्डा बाई टू, ठीक ठीक है, या लैम्डा बाई टू ही रखो, एम लैम्डा बाई टू, ठीक। अगला गौड़ उच्चिष्ट कहां मिलेगा, पहला मिल गया एम लैम्डा बाई टू पे, ये थीटा एम वाला, ठीक है। तो थीटा एम प्लस वन वाला कहां पर मिलेगा, एम प्लस वन लैम्डा बाई टू, ठीक है, एम प्लस वन लैम्डा बाई टू, ठीक। अब इसकी दूरी निकाल लो, इसकी चौड़ाई निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो, यही चीज निकल के आ जाए, ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर, यानी कि तरंग प्रकाश के वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, ठीक है। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप लोग कल थोड़ा सा रिवाइज करके वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को लाइक कर देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे सेशन में मैंने लाइक के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं सभी लोग लाइक कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइक बोलना कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बोले या ना बोले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।